क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेसिकली बस्टिंग मिथ्स सराउंडिंग वास्तु शास्त्र। वास्तु शास्त्र में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लोगों को लगता है वास्तु मीन्स स्ट्रक्चरल चेंजेस, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप वास्तु अपने घर का कराते हैं यानी कि आपको अपने घर में स्ट्रक्चरल चेंजेस कराने ही पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप शुरू से घर को प्लान करते हैं तब डेफिनेटली आप वास्तु के रूल्स को ध्यान में रखते हुए घर को प्लान कर सकते हैं, लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाया है, आपका घर वास्तु अनुसार नहीं बन पाया है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब भी आप अपने घर की एनर्जी को इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, सिर्फ कुछ ट्रीटमेंट्स के साथ, कुछ माइनर चेंजेस के साथ और कुछ ट्रीटमेंट्स के साथ। यानी कि छोटे छोटी चीजें जैसे कि एक करेक्ट पेंटिंग कहाँ लगाना है, एक प्लांट कहाँ लगाना है, कौन सा पर्दा आपको डाल के रखना है, कौन सा पर्दा आपको खोल के रखना है, किस दरवाजे का यूज ज्यादा करना है। अगर आपके घर में 3 या 4 दरवाजे हैं तो कौन से दरवाजे का आप ज्यादा यूज करें कि वो आपको बेनिफिट दे, कहाँ बैठ करके आप अपना काम ज्यादातर ऑफिस का करें, कहाँ बैठ के आप भोजन करें ताकि वो भोजन जो है जल्दी डाइजेस्ट हो, उसका डाइजेशन आपके लिए अच्छा हो, कहाँ आप अपने मेडिसिंस रखें अपने घर में जिससे कि आपकी जो मेडिसिंस हैं उनकी एनर्जी अच्छी बरकरार रहे। दूसरी बात ये कि आप अपने घर में जो स्टॉक करते हैं, अनाज जो स्टॉक करते हैं, ग्रेन्स स्टॉक करते हैं, ग्रोसरी स्टॉक करते हैं, वो आपको कहाँ रखनी चाहिए। इसी तरह से चीजें जैसे कि आपके घर में शूज रखने की सबसे अच्छी जगह कौन सी है, आपके घर में ब्रूम क्लोजेट बनाने की अच्छी जगह क्या है। ये छोटी छोटी चीजें हैं कहने के लिए, लेकिन इनकी जो एनर्जी है वो बहुत कुछ डिसाइड करती है। तो अगर आप देखेंगे तो जब हम इनकी बात करें सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्ट्रक्चरल चेंजेस, वी कैन जस्ट डू लिटिल चेंजेस within the interiors of the house and we can set and channelize the vastu energy and which can ultimately have extremely good effects on the overall energy, aapke finances pe, aapke education pe, aapke health pe, harmony pe, happiness pe, sab par iska bahut acha impact aapko phir dekhne ko milta hai. So isliye सबसे पहला मिथ तो ये हमको दूर करना है कि वास्तुशास्त्र का मतलब ये नहीं कि हम किसी तोड़फोड़ की बात कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे बहुत से ट्रीटमेंट्स हैं जिनको यूज किया जाता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ये ट्रीटमेंट कोई सीधे डायरेक्ट अगर आप कुछ लेकर के आप अपने घर में ट्रीटमेंट्स लगाते हैं तो वो, हम ये नहीं कहते कि वो असर नहीं करेंगे, उनको असर करने में सदियों लग जाती हैं, बहुत टाइम लगता है। जबकि जब आप अभिमंत्रित ट्रीटमेंट रखते हैं वो क्विकली काम करना स्टार्ट करता है। तो इसलिए वी ऑलवेज प्रमोट दैट यू कीप अभिमंत्रित, दैट इज प्री एनर्जाइज ट्रीटमेंट फॉर एनी प्लेस, जो कि हम हमेशा प्रमोट करते हैं। दूसरी बात ये कि वास्तु शास्त्र में कहते हैं कि साउथ का जो आपका दरवाजा है वो आपके लिए अशुभ है। अगर आपके घर का दरवाजा साउथ में है, दक्षिण दिशा में है, तो ये आपके लिए अशुभ है। अगर आपके घर का दरवाजा पश्चिम दिशा में यानी कि वेस्ट में है, तो ये आपके लिए अशुभ है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों के दिमाग में कि दक्षिण का दरवाजा या पश्चिम का दरवाजा जो है वो अशुभ होता है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो दक्षिण दिशा में भी आपके लिए बहुत शुभ साबित हो सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि उसको किस तरह से प्लान किया जाता है। अगर दक्षिण दिशा में दरवाजा है तो उसकी एनर्जी को कैसे चैनलाइज किया जाए ताकि वो दरवाजा आपके लिए शुभ हो, आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स ही लेकर के आए। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो जो दरवाजा है वो आपके लिए उसको चैनलाइज करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी तरह से जो पश्चिम दिशा का दरवाजा होता है, जो वेस्ट जोन का दरवाजा होता है, उसको भी चैनलाइज करके उसकी एनर्जी को बहुत बहुत बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आप अगर सिर्फ ये कह दें कि सिर्फ दक्षिण दिशा का दरवाजा या पश्चिम दिशा का दरवाजा खराब है तो ये ठीक तथ्य नहीं होगा।
इसके अलावा ये मान लेना कि अगर पूर्व दिशा का दरवाजा है या उत्तर दिशा का दरवाजा है, यानी कि अगर नॉर्दर्न डोर है आपके घर का या ईस्टर्न डोर है, तो वो हमेशा सही ही होगा, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि कई बार देखने में आया है कि ईस्टर्न डोर जो है, अगर वो अपने नियत स्थान पर न हो करके उससे राइट या लेफ्ट में होता है तो वो दिक्कत देता है। मैं फिर से रिपीट करूंगी, ईस्टर्न डोर कहने के लिए वो ईस्टर्न डोर है, आपका पूर्वी दरवाजा है, लेकिन अगर वो अपने सही नियत स्थान पर नहीं है, अगर उसके विपरीत वो अगर लेफ्ट या राइट में चला गया है तो वो दिक्कत देता है। इसी तरह से अगर नॉर्दर्न दरवाजा है, वो अगर जहां होना चाहिए वहां नहीं है, उसके अलावा अगर ये लेफ्ट या राइट अगर वो खिसक गया है स्ट्रक्चर में, तो वो दिक्कत देता है। तो उसको फिक्स करने के लिए देर आर ट्रीटमेंट्स, वो ट्रीटमेंट्स को वहां पर अप्लाई करना चाहिए, वो ट्रीटमेंट से एनर्जी को चैनलाइज करना चाहिए ताकि वो जो दरवाजा है वो ठीक तरह से काम कर सके। ये जो ट्रीटमेंट्स हैं, दो तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं, एक होते हैं यांत्रिक ट्रीटमेंट्स, एक होते हैं मानसिक ट्रीटमेंट्स। यांत्रिक यानी कि जब भी हम आपको कोई चीज देते हैं कि ये आप यहाँ पर ये साइन लगाइए, ये स्वस्तिक चिन्ह लगाइए, यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा लगाइए, या फिर यहाँ पर ये सेमी प्रेशियस जेम स्टोन रखिए, जब हम आपको कुछ ऐसा देते हैं, दैट इज ऑल यांत्रिक ट्रीटमेंट। मानसिक क्या है, जब हम आपसे कहते हैं कि आपको ये चैंटिंग करनी है, ये जप करना है, ये पाठ करना है, आपको सुंदरकांड का पाठ करना है, आपको श्रीमद् भागवत का पाठ करना है, आपको अखंड रामायण का पाठ करना है, ये सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं, ये सारे ट्रीटमेंट्स मांत्रिक ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, अल्टीमेटली शास्त्रों में वो बहुत शुभ माना गया है किसी भी वास्तु दोष को दूर करने के लिए। लेकिन वो किस दोष में कौन सा ट्रीटमेंट लगेगा, ये टेक्निकल है थोड़ा सा। सो वी हैव अ कपल ऑफ मोर पीपल ज्वाइनिंग इन हियर। कृष्णा चौधरी जी, राधे राधे, कैसे हैं आप? भाई साहब राधे राधे, सादर चरण स्पर्श। सुधा दुबे जी राधे राधे। सो जैसा कि हमने कहा कि टुडे वी आर कवरिंग दिस टॉपिक कि वास्तु मिथ्स, कौन कौन से ऐसे वास्तु शास्त्र से संबंधित मिथ्स हैं जो कि लोगों के दिमाग में हैं, उनको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो हमने बात की दरवाजों की, इसी तरह से एक ये मिथ है कि आप वाटर बॉडी जो है घर में लगा लीजिए जिसमें कि फ्लोइंग वाटर होना चाहिए। एक बार आपने वाटर बॉडी कोई ऐसी रख ली जिसमें कि फ्लोइंग वाटर है, तो वो और आपको दरवाजे पर रखनी है, एंट्रेंस पर रखनी है, एंड देन यू आर गुड विद इट। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिना सोचे समझे कोई वाटर बॉडी लगाएं। कृपया बिना सोचे समझे वाटर बॉडी कभी भी न लगाएं घर में, क्योंकि वाटर बॉडी की अपनी बहुत स्ट्रांग एनर्जी होती है। अगर आप वाटर बॉडी को गलत डायरेक्शन में लगा लेंगे तो इट कैन हैव एडवर्स इफेक्ट्स। सो उसके लिए सही दिशाएं क्या हैं, जैसे कि वाटर बॉडीज के लिए सही दिशाएं होती हैं, जैसे कि नॉर्थ जोन हमेशा सबसे अच्छा और सबसे सेफ जोन माना जाता है वाटर बॉडीज के लिए। तो आप अपने घर में स्ट्रक्चरल जो कंस्ट्रक्टेड जोन है वहां पर नॉर्थ जोन में, या फिर आपके जो प्लॉट का नॉर्दर्न जोन है वहां पर, जब भी आप वाटर बॉडीज वहां प्लान करें तो उस जगह पर प्लान करें। अब अगर आप मान के चलिए कि अगर आपका जो एंट्रेंस है वो वेस्टर्न एंट्रेंस है, या फिर आपका एंट्रेंस सदर्न एंट्रेंस है, तो अगर या साउथ ईस्टर्न एंट्रेंस है, और वहां अगर आपने वाटर बॉडी लगा ली, तो वो इट कैन हैव वेरी एडवर्स इफेक्ट्स। साउथ वेस्टर्न दरवाजे की तो खैर वी नो, साउथ वेस्टर्न दरवाजा तो हम कभी भी प्रमोट नहीं करते हैं, क्योंकि साउथ वेस्टर्न दरवाजे के अपने बहुत बहुत इल इम्पैक्ट होते हैं। अगर किसी के यहाँ पर साउथ वेस्टर्न दरवाजा है, इट शुड बी ट्रीटेड फॉर श्योर। अगर किसी के यहाँ साउथ ईस्टर्न दरवाजा है, इट हैज टू बी ट्रीटेड फॉर श्योर। नॉर्थ वेस्टर्न दरवाजा हैज टू बी ट्रीटेड फॉर श्योर। सो ये कुछ दरवाजे ऐसे हैं जिनको की ट्रीट करना ही चाहिए। साउथ वेस्टर्न दरवाजा, नॉर्थ वेस्टर्न दरवाजा, साउथ ईस्टर्न दरवाजा, ये ट्रीटमेंट मांगते ही मांगते हैं। यू हैव टू ट्रीट देम, यू कैन नॉट लीव देम अनअटेंडेड, यू हैव टू ट्रीट देम फॉर
टू चैनलाइज दी एनर्जी, नहीं तो फिर उसके रेपरकशंस मिलते हैं। इसके अलावा एक मिथ ये भी है कि अगर घर के सामने कोई पेड़ है तो आप उसको कटवा दें। इसमें जो है, घर के सामने कोई पत्थर है, पेड़ है, कोई खंबा है, उसको वहां से हटवाना शुभ रहता है। ये एक वास्तु शास्त्र में ये भी कथन है। सो मैं आपको उसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूंगी कि जिस खंबे की या स्ट्रक्चर की या फिर पेड़ की छाया आपके घर के ऊपर पड़ती है वो अशुभ हो सकता है, लेकिन जिसकी छाया आपके घर के दरवाजे तक, खासतौर पर मेन गेट तक नहीं पहुंचती, वो अशुभ नहीं होता। दूसरी बात, अगर आपके घर के सीध में, ठीक सामने यानी कि दरवाजे के सीध में अगर कोई दूसरा दरवाजा है, किसी और का घर है, कोई दूसरा दरवाजा है, कोई खंबा है, कोई वहां पर मान लीजिए कि कोई पिलर है, कोई स्टोन है बड़ा, रॉक जिसे कहते हैं, या फिर कोई पेड़ है बड़ा, तो वो डेफिनेटली इट्स नॉट गुड एनर्जी। कोई ऐसा गड्ढा है पानी का जो जिस कीचड़ से भरा हुआ है, जो अक्सर हम देखते हैं कुछ सिटीज में पर्टिकुलरली ऐसा होता है कि गड्ढा जैसा डेवलप हो जाता है सड़क पर, और उसके ठीक सामने आपके घर का दरवाजा है, तो वो भी शुभ नहीं माना जाता। तो इस तरह का अगर कुछ है तो डेफिनेटली इट हैज टू बी ट्रीटेड, वो ठीक नहीं है। लेकिन अगर वो हटके है, यानी कि आपके घर के सामने तो है लेकिन दरवाजे से बच रहा है, दरवाजे के सामने नहीं है, तो फिर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप ज्यादा फिक्र न करें उसकी। प्रेमलता राठी जी, राधे राधे, कैसी हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमलता जी। मैं तो हमेशा कहती हूँ, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। आप सबकी दृष्टि मुझे देखने की बड़ी खूबसूरत है, इसीलिए आप सब ऐसा कहते हैं। जी, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द मिथ्स, देन वी विल आल्सो कवर राजेंद्र सिंह जीज क्वेश्चन, विच इज ही हैज आस्क्ड दैट प्लीज हेल्प इन रिमूविंग नेगेटिविटी अमंग फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स के बीच में अगर आपको लगे कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो आप क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कि वो नेगेटिविटी कम हो? कुछ चीजों का आप इसमें ध्यान रखें। आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, सबके बेडरूम देखें कि बेड्स जो हैं उनके उनके नीचे कुछ स्टोर तो नहीं है, यानी कि एक बेड बॉक्स होता है, बॉक्स बेड, यानी कि बेड के नीचे स्टोरेज होता है जिसमें कि आप कुछ सामान रख करके और फिर यू कैन यूज दैट स्पेस। तो अगर ऐसा कुछ है आपके यहाँ पर, तो चेक करें कि उसमें क्या सामान रखा है। अगर उसके उसके अंदर ऐसा सामान, यानी कि ऐसे कपड़े रखे हैं जो आप आज नहीं तो कल यूज करने वाले हैं, देन इट्स फाइन। अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा पुराना सामान रखा है तो ठीक नहीं है, बहुत पुरानी एल्बम्स रखी हैं तो ठीक नहीं है, अगर उसके अंदर कुछ शार्प ऑब्जेक्ट्स रखे हैं तो वो ठीक नहीं है, उसके अंदर अगर शूज रखे हैं तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं। आप सोचते तो हैं कि इंसान सोया है वो सो करके फ्रेश उठेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इंसान जब सो के उठता है तो वो बहुत नेगेटिविटी के साथ उठता है, और वो जो नेगेटिविटी होती है वो उसकी डे टू डे लाइफ में झलकती है। इसलिए वी वुड एडवाइज कि आप वहां से वो सामान जो है उसको क्लियर करें। वहां आप बुक्स रख सकते हैं, अगर कुछ पुरानी बुक्स हैं तो कपड़े रख सकते हैं वहां पर, जैसे बेडिंग्स रख सकते हैं, बेडिंग्स के लिए वो सबसे अच्छी जगह होती है, या फिर एक्स्ट्रा बेडिंग्स हैं घर में वो आप वहां रख दीजिए, या कपड़े रखने हैं तो वो कपड़े रख दीजिए जो कि आप यूज करने वाले हैं, जैसे होता है कि समर विंटर के जो चेंज ओवर्स होते हैं उनको आप वहां पर रख सकते हैं। पर इसके अलावा ज्यादा सामान आप वहां पर इकट्ठा ना करें, एक तो इस चीज को देखें। दूसरा ये देखें कि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कहाँ बैठ करके ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, टेलीविजन कहाँ लगा है आपके घर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टेलीविजन अक्सर सभी बैठ करके देखते हैं, साथ में बैठ करके देखते हैं, तो हम बहुत से घरों में जाते हैं देखते हैं कि टेलीविजन की जो दिशा है वो ठीक नहीं है। कैसे? कि टेलीविजन जो है, अगर आपके घर की
ईस्टर्न वॉल पे है या नॉर्दर्न वॉल पे है या नॉर्थ ईस्टर्न वॉल पे है तो ये शुभ है। इसके विपरीत अगर लगा हुआ है तो वो बहुत शुभ नहीं माना जाता। सो आप सबसे पहले चेक करेंगे टेलीविजन कहाँ लगा हुआ है। अगर टेलीविजन ईस्टर्न वॉल पे या नॉर्दर्न वॉल पे या नॉर्थ ईस्टर्न वॉल पे है देन इट्स ओके। अगर कि कहीं वो सदर्न वॉल पे या खास तौर पे साउथ वेस्टर्न वॉल पे है तो इट कैन बी डिजास्ट्रस। सो वी व्हेनेवर वी विजिट होम्स वी टेल पीपल वी सजेस्ट देम दैट प्लीज आप ये टेलीविजन को यहाँ से हटा करके फिर हम लोग साथ में मिलके रिलोकेट करते हैं कि कौन सी वॉल बेस्ट हो सकती है, क्योंकि चैलेंजेस होते हैं अलग अलग तरह के कि वायरिंग कहाँ हो सकती है, कहाँ बैठ के सब लोग देख सकते हैं, वॉल इतनी बड़ी है कि नहीं कि वहां टेलीविजन आ सके। तो इस तरह के चैलेंजेस तो आते हैं, लेकिन फिर भी वी वॉन्ट कि आप चेंज करें अपने टेलीविजन की लोकेशन, क्योंकि कहने के लिए एक बहुत छोटा सा चेंज है लेकिन इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। घर के लोग बैठ करके पता नहीं चलता है डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे टेलीविजन देख लेते हैं दिन में, और अगर आप गलत दिशा में बैठ करके टेलीविजन देख रहे हैं तो इट कैन हैव अ बैड इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल हारमोनी ऑफ द हाउस। तो ये आप चेक करने की कोशिश करें। सो दो चीजें आपको मैंने बताई, एक तो देखें कि वो सोते कहाँ हैं, कैसे सो रहे हैं, और ये चेक करें कि वो कहाँ बैठ करके टेलीविजन देख रहे हैं। सोते समय ये भी देखें कि उनका हेडबोर्ड कहाँ है। हेडबोर्ड कई बार लोगों का गलत होता है, हेडबोर्ड के लिए कोशिश करें कि जो हेड रेस्ट है, अगर कि वो नॉर्थ अमेरिका में है तो नॉर्थ वेस्ट में हेडबोर्ड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नॉर्थ में नहीं होना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी दिशा चलेगी। इसी तरह से अगर वो भारत में है तो नॉर्थ में सिरहाना नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी दिशा चलेगी। इसी तरह से अगर कि वो ऑस्ट्रेलिया में है या न्यूजीलैंड में है तो उनका सिरहाना साउथ में नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी दिशा चलेगी। बट वी प्रमोट कि ऑस्ट्रेलिया में भी ईस्ट वेस्ट सिरहाना रखा जाए। सो आप ये चेंजेस सबसे पहले करके देखिए और उसके बाद या डेफिनेटली आपको चेंजेस पता चलेंगे घर में हार्मनी में, क्योंकि कई बार ये छोटे छोटे चेंजेस से ही फर्क पता चलता है। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक हम पूरा सेशन रखेंगे हाउ टू इम्प्रूव द ओवरऑल हार्मनी ऑफ द हाउस एंड वी विल बी डिस्कसिंग सम मोर टिप्स देयर। राधे राधे मम्मा, राधे राधे रेखा शर्मा आंटी जी, कैसी हैं आप? आशुतोष गुप्ता, राधे राधे, हाउ आर यू डूइंग? दीपक रुचिका शर्मा जी, राधे राधे, कैसी हैं आप? आज का जो टॉपिक है, वी आर ट्राइंग टू बस्ट सम मिथ्स रिलेटेड टू वास्तु शास्त्र। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा डाउट है आपके मन में, अगर आपको भी किसी तरह से वास्तु शास्त्र के किसी मिथ ने परेशान किया हुआ है, आप जानना चाहते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, तो आप हमसे यहाँ पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई टू आंसर दैट फॉर यू। और जैसा कि हमने कुछ दरवाजों के बारे में बताया कि दरवाजों की सही लोकेशंस क्या होनी चाहिए, और ये भी बताया कि वास्तु इज नॉट अबाउट स्ट्रक्चरल चेंजेस ओनली, वास्तु में और बहुत कुछ है। तो इसलिए अगर इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो कि लोगों के दिमाग में रहता है कि वास्तु शास्त्र मीन्स दैट, बट वास्तु शास्त्र डज नॉट मीन, मे बी वास्तु शास्त्र डज नॉट मीन दैट, और इस वजह से लोग डरते हैं वास्तु से। एक और इम्पोर्टेंट बात, वास्तु शास्त्र यानी कि अगर हम अपने घर का वास्तु परफेक्ट रखते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है, और अगर हम परफेक्ट नहीं रखते हैं तो क्या फर्क होता है। तो क्या ऐसा होता है कि जिन लोगों के घर का वास्तु एकदम परफेक्ट होता है उनके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, उनके घर में कभी कुछ खराब नहीं हो सकता, बुरा नहीं हो सकता? ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज अगेन अ मिथ। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लोग वास्तु के अनुसार घर बना के रखते हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे लाइफ में जो कुछ घटता है उस पर बहुत सी चीजों का इम्पैक्ट होता है और बहुत से फैक्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं। वास्तु इज डेफिनेटली वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स देयर। एस्ट्रोलॉजी प्लेज इट्स रोल, वास्तु प्लेज इट्स रोल, आवकामिक पोटली प्लेज इट्स रोल कि हम कैसे कर्म करते हैं।
हमारे पूर्व जन्म के कर्म कैसे रहे हैं, ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिनका अल्टीमेटली इम्पैक्ट आता है कि आज हमारा जीवन कैसे रहता है, आज हमारा जीवन कैसे चलता है, हम अपना जीवन कैसे बिता पाते हैं। तो उस पर बहुत सी चीजों का अलग अलग असर होता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं जो आपके हाथ में है, जो आपके बस में है, कम से कम आप उसको तो कंट्रोल करें। तो इसलिए उसको कंट्रोल करने की कोशिश है वास्तु शास्त्र, यानी कि आप अपने घर की हार्मनी को बैलेंस करके रखते हैं, ताकि जब कभी आपके घर में एस्ट्रोलॉजिकली किसी के का टाइम नीचे आता है, किसी का टाइम खराब आता है एस्ट्रोलॉजिकली, उस समय वास्तु शास्त्र मस्ट वर्क एज अ शॉक एब्जॉर्बर, ताकि जब एस्ट्रोलॉजिकली समय लो आए तो वास्तु शास्त्र एक शॉक एब्जॉर्बर बन के आपको वो झटका न लगने दे। इसी तरह से वास्तु शास्त्र, अगर वास्तु के अनुसार अगर आपने अपना घर सेट करके रखा होगा तो बहुत सी चीजें होंगी, जैसे कि ऐसा नहीं है कि मुसीबतें नहीं आती, लेकिन उनका रूप बदल के छोटे में, सूक्ष्म में वो मुसीबतें जो हैं वो टलती हैं। ये एक प्रूवन फैक्ट है जो कि बहुत सी रिसर्चेस के बाद में प्रूव हो चुका है कि जो घर जिन्हें वास्तु शास्त्र के अनुसार बनाया गया और ऐसे घर जिन्हें बिना वास्तु के बनाया गया, और उसमें चैलेंजेस दिए गए लोगों को, और एक जैसे आईक्यू के लोगों को चैलेंजेस दिए गए और उन्होंने कैसे उनको सॉल्व किया। सो ऐसी बहुत सी रिसर्चेस समय समय पर होती रही है वास्तु की। आप जब जब भी कभी हम अपना घर वास्तु के हिसाब से प्लान करते हैं, अपने ऑफिस को वास्तु के हिसाब से प्लान करते हैं, अपनी शॉप को, आउटलेट को, फैक्ट्री को वास्तु के अनुसार प्लान करते हैं, आजकल तो इवेंट्स वास्तु शास्त्र के अनुसार प्लान किए जाते हैं। सो व्हेन वी वर इन मुंबई वी वर डूइंग मैनी इवेंट्स देयर, और यहाँ पर भी जब एग्जीबिशंस होती हैं या वेडिंग्स होती हैं तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कोई एनर्जी ऊपर नीचे ना हो, ताकि पूरा का पूरा जो इवेंट है वो अच्छी तरह से बिना किसी बाधा के पूरा हो सके, उसके लिए प्रयास किया जाता है। बाकी अल्टीमेटली तो ऊपर वाला है जो कि ब्लेस करता है। जी माय प्लेजर राजेंद्र सिंह जी, जानकी वल्लभ जी, राधे राधे, हाउ आर यू डूइंग। सो आज का जो हमारा टॉपिक है विच वी आर कवरिंग इज वास्तु शास्त्र, की वास्तु शास्त्र में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनको कि हमें कवर करना चाहिए, जो वास्तु शास्त्र के अंदर आती हैं, और कौन सी चीजें हैं जिनका वास्तु शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ, कई बार हम लोगों के घर पर जाते हैं एंड वी सी कि टेप्स लगे होते हैं अलग अलग कलर्स के, येलो टेप, ब्लू टेप, रेड टेप, टॉयलेट के आसपास। तो ये जो टेप्स होते हैं ये दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ वास्तु, नोवेयर वास्तु शास्त्र में कहीं भी ऐसे किसी टेप की दूर दूर तक चर्चा नहीं है। तो टेप जो है वो वास्तु शास्त्र का कहीं भी हिस्सा नहीं है। वास्तु टेप्स डिफरेंट स्टडीज हैं जो कि उनको देखती हैं, बट व्हेन वी से वास्तु शास्त्र, इट इज वेरी वेरी ऑथेंटिक ट्रेडिशनल इंडियन, जिसका ज्ञान हमें शास्त्रों से मिलता है, हमें वेदों से मिलता है, हमें कई पुराणों से मिलता है, दैट इज वास्तु शास्त्र। तो उसके जो ट्रीटमेंट्स हैं वो भी वैसे ही हैं जो कि हमें पौराणिक रूप से मिले हैं, वैदिक रूप से मिले हैं, तो इनके ट्रीटमेंट्स भी सारे वैदिक ही होने चाहिए और वैदिक ही होते हैं। नम्रता व्यास जी, राधे राधे, कैसी हैं आप? अभी जो है हमारा हमारे ट्रिप्स वापस अभी प्लान होने शुरू हो गए हैं। वी विल बी इन मिशिगन फ्रॉम 26 ऑनवर्ड्स, 26 नवंबर ऑनवर्ड्स। देन इंडिया के लिए भी बुकिंग्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। इंडिया हम लोग पहुंचेंगे 13 जनवरी को, 13 जनवरी से 22 फरवरी तक ये भारत का पूरा ट्रिप रहेगा, जिसमें कि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, जयपुर, आगरा, वृंदावन बाय डिफॉल्ट, वृंदावन के बिना तो कोई ट्रिप हमारा पूरा हो ही नहीं सकता, देहरादून। सो ये सारे सिटीज जो हैं वो कवर किए जाएंगे। और इसके अलावा जैसे जैसे बुकिंग्स होंगी वैसे वैसे हम वहां पर उन सिटीज में रहेंगे। उस समय वी विल ट्राई टू गाइड एज पर वास्तु एज मच एज पॉसिबल। सो वो लोग जो कि
info@vastuchavi.com पर ईमेल करते हैं और उनकी शिकायत रहती है कि वो ईमेल नहीं पहुंच पाती है, मैसेंजर पर मैसेज करते हैं, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग, हमारे वेबसाइट पर दो नंबर्स दिए हुए हैं, आप कृपया उन पर आप अपना मैसेज डालें तो डेफिनेटली वो पहुंचेगा। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर फिर से वो लिंक में शेयर कर दिया जाएगा, लेकिन आप अगर फोन पर जब मैसेज करते हैं तो वो डायरेक्टली पहुंचता है, बिकॉज माय हस्बैंड जो है जीनू शर्मा जी जो है वो पूरा गवर्न करते हैं और वो देखते हैं जी। तो नम्रता जी कहती हैं, पंचमुखी हनुमान की पिक्चर वेयर टू प्लेस इन आर हाउस। पंचमुखी हनुमान का फोटोग्राफ देखेंगे, पंचमुखी हनुमान का अर्थ ही है जिनका जो मुख है वो सभी दिशाओं में है, यहाँ तक कि पाताल में भी है। तो ऐसे जो हनुमान हैं जो कि पंचमुखी हैं, उनको आप घर में कहीं भी स्थापित कर सकती हैं, वो शुभ हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो उन्हें दक्षिण मुखी यानी कि अपने घर के उत्तरी भाग में आप स्थापित करें तो वो बहुत शुभ होता है, यानी कि दक्षिण को देखते हुए या दक्षिण पश्चिम को देखते हुए आप उनकी स्थापना कर सकती हैं। जी, सो अभी ऑलरेडी हाफ एन आवर हो चुका है और अभी मुझे टाइम मिला हुआ है कि मुझे समय से पूरा करना है आज का अपना सेशन। तो अगले हफ्ते आप सबसे फिर मुलाकात होगी, एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तब तक अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग भी तैयार रखिएगा, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे।